an extraordinary film that has flowered from his heart. And I'm saying extraordinary, why? Because Yaarab was not made for the art house. It was not meant to play in Berlin and Cannes. It was made to play where the people of our country are vulnerable to power centers who use them as pawns in this so-called jihad that they... Mera is film ko support karna ka reason do hai. Ek, to ye sachche dil se bani hai. There is no substitute for imandari. This is a passion-driven business. Aur is film ka jo dil hai, jo heart hai, wo sahi jagah hai. और जब एक दिल से एक आदमी एक फिल्म मेकर फिल्म बनाता है, प्रोड्यूसर हो या डायरेक्टर हो, तो वो 100% ऑडियंस को टच करती ही. कहना चाहूँगा कि भट्ट साहब ने जो कहा बिल्कुल सही है. वो बहुत रिसर्च करके फिल्म बनाई है. उतना इस्लाम मैं भी नहीं जानता हूँ अगर सच कहूँ तो, पर जब मैंने ये फिल्म की और बहुत डीप जाके देखा तो इट वाज वंडरफुल कि एक एसीपी ऑनेस्ट कॉप जो इस्लाम को पढ़ के इतना जान के मेन इस फिल्म से मुझे ऐसा लगता है कि यूथ जो है वो अगर पढ़ ले कुरान को तर्जुमे के साथ मायनों के साथ तो कुरान को समझ के फॉलो करने वाला टेररिस्ट कभी हो ही नहीं सकता है. तो मैंने इस फिल्म से यही एक है कि जो भी मोहसिन भाई ने भी कहा था कि अगर इस फिल्म को देखने के बाद एक लड़का भी जो यंग अपने शरीर पे बॉम्ब लगा के किसी को ना उड़ाए और उसका इरादा बदल जाए ये फिल्म देख के, तो हमारी जीत हो गई और हमारा काम हो गया. ये फिल्म मुझे मिली इकराम अख्तर साहब की वजह से. इन्होंने एक्चुअली मेरी परफॉर्मेंस देखी और इनको बहुत अच्छी लगी, तो इन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया हसनैन साहब से. तो इनकी वजह से ये फिल्म मैंने की है. और ये हमारे राइटर हैं फिल्म के, तो डेफिनेटली ही नोज़ द बेस्ट कि उन्होंने कैसे क्या सोच के फिल्म. मुझे भी रात को 1 बजे इन्होंने ही फ़ोन किया था.